नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदाए हिरा की 18वीं किस्त है। गुज़श्ता हफ़्ते आप हज़रात ने सुना था कि दादा अब्दुलमुतल्लिब की किफ़ालत, उनकी मोहब्बत और फिर कई अहम तरीन तफ़सीलात जो सीरत तय्यबा से जुड़ी थी वो आपने सुना था। अब आइए देखते हैं कि चचा अबू तालिब की कैसी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता हफ़्ते ही बता दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला और चचा अबू तालिब एक ही माँ के कोख से जन्मे थे, तो अपने भतीजे से भी वैसे ही मोहब्बत होगी जैसे अपने औलाद से। बल्कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह तहरीर किया गया है कि चचा अबू तालिब इस कदर मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते थे। सोते जागते सफ़र व हज़र हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ही रखा करते थे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहरीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल के हुए तो बकरियाँ चराया करते थे। तबकात इब्ने साद जिल्द अव्वल में बुखारी शरीफ की किताबुल इजारा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल को नकल किया गया है कि मैं करारीत पर मक्का वालों की बकरियाँ चराया करता था। करारीत मानी किरात यानी दिरहम दीनार के टुकड़ों का नाम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजरत पर मक्का वालों की बकरियाँ चराया करते थे। अब इस करारीत के मफहूम को लेकर उलमा में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, खैर वो मेरा मौजू नहीं है। बहरकैफ, नाज़रीन, सीरत की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब की किफ़ालत में थे उस वक्त के कई ऐसे वाक़यात मशहूर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बताया करते हैं। सीरत इब्ने हिशाम में इसी तरह का एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कि बनू लहब का एक शख्स पेशगोई किया करता था। पेशगोई का मतलब आप यूँ समझें कि कल की बातें बयान करने वाला, चेहरा देख करके, हाथ देख करके वगैरह वगैरह। दरअसल ज़माने जाहिलियत में ये चीज़ें आम थी, जैसे काहिनों, नजूमी यानी सितारों को देखकर भविष्य बताने वाले वगैरह वगैरह, ये तो आज भी पाए जाते हैं, मगर इस्लाम ने आकर इन सब की नफ़ी कर दी है। खैर, वाक़े को आगे बढ़ाते हैं। तो वो जो बनू लहब का जो काहिन था, जब भी वो मक्का आता था उस वक्त लोग उसके पास अपने लड़कों को ले आते थे। वो काहिन उनको देखता और पेशगोई किया करता था कि इस तरह होगा, उस तरह होगा, इस अंदाज में। तो इसी तरह अबू तालिब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास ले गए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। फिर जब कामों से फारिग हुआ तो फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ा और कहने लगा, अरे इसको करीब तो लाओ, मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने जब इसकी हरकतों को और इस कदर मुतवज्जे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके करीब से अलग कर दिया। फिर उसके बाद वो काहिन कहने लगा, अरे तुम लोगों पर अफसोस है, इस लड़के को जिसको मैंने अभी देखा था मेरे पास लौटा दो, खुदा की कसम उसकी तो बड़ी शान है और शान होगी। फिर अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से लेकर निकल गए। इसी तरह का एक किस्सा बुहैरा राहिब का है, यानी एक नसरानी राहिब का। दरअसल ये किस्सा तवील है, मैं उसको यहाँ इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं ना कि अरब ताजर, अरब जो है वो ताजर कौम थे, लिहाजा अबू तालिब भी तिजारत किया करते थे और उस ज़माने में लाने ले जाने का एक ही ज़रिया था, ऊंट और घोड़े, यानी कि आप हालिया ज़बान में उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो ऊंट या घोड़े हुआ करते थे। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाने का मतलब महीनों का सफ़र। तो अरब तुजार का ये तरीक़ा था कि वो साल में एक बार शाम जाया करते थे। जी हाँ, वही शाम जहाँ आजकल मौत का राज है, जालिम बशार के फौजी निहत्ते शामियों के खून से जो होली खेल रहे हैं, वही शाम है।
बहर कैफ इस बार भी अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जाने का कसद इरादा किया और ये पूरा काफिला हुआ करता था, एक दो आदमी नहीं हुआ करते थे, पूरा काफिला हुआ करता था। जब अबू तालिब जाने के लिए रख्ते सफ़र बांधने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब से लिपट गए, और बल्कि सीरत की सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में जाने का इश्तियाक जाहिर किया। अब भतीजे को इस हाल में देखकर हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले चचा अबू तालिब का दिल भर आया और शाम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले लिया। अरब तुजार शाम के लिए जब भी इस रास्ते से निकलते तो वो बसरा नामी एक इलाके में नसरानी गिरजाघर के पास पड़ाव डाला करते थे। इब्ने हिशाम में दर्ज वाक़े की तफसील के मुताबिक अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो उसमें दर्ज है कि जब भी अरब ताजिरों का ये काफिला साल में एक बार तो आता था, जब भी ये काफिला वहाँ आता था और पड़ाव डालता था तो वो नसरानी गिरजाघर में मौजूद राहिब जिसका नाम बुहैरा बताया गया है वो तवज्जो नहीं देता था, मगर इस बार जब ये काफिला पहुँचा तो उसने पूरे काफिले को दावत दे डाली। इस राहिब के बारे में इब्ने हिशाम लिखते हैं कि जब से उसने रहबानियत यानी आजकल के आम फहम जबान में पादरी बना था तो इसी गिरजाघर में रहा करता था, और इस गिरजाघर में एक किताब थी जिसको वो पढ़ना जानता था, आप उसको तौरीत भी कह सकते हैं। नाज़रीन इस एपिसोड का वो वक्त यहीं ख़त्म हो रहा है, किस्सा तवील है, अगले हफ्ते में इसी वाक़े को आगे बढ़ाऊँगा और सफ़र शाम में क्या हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आप बस फिक्र ख़बर के साथ जुड़े रहें क्योंकि यहाँ न ख़बरों का सिलसिला थमता है न खुसूसी प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tira ra ra tira